चलिए चलिए दोस्तों, लड़ाई हो गई है पड़ोस के अंदर। पड़ोस में लड़ाई हो गई भैया। चलिए दोस्तों, कोई नहीं, आज हम करते हैं दोस्तों हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस पे हम बात करते हैं दोस्तों। इन जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, किस तरह से सॉल्व करते हैं। और दोस्तों इसके अंदर क्या है कि इसमें देखिए, वैसे तो ये इसमें दो तरह के मत हैं। एक तो ये है कि ये काफ़ी दोस्तों को बिल्कुल आसान लग सकता है, तो काफ़ी लोगों को ये मुश्किल लग सकता है। तो हमें किस तरह से इसको आसान बनाना है ये देखना है। देखिए इसके अंदर जब भी आप, सबसे पहले तो जब भी आप कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़े तो उसको बिल्कुल ध्यान से हमें पढ़ना है। और एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास टाइम होता है बहुत कम, और उस टाइम कम होने की वजह से हम उसको जल्दी 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 पढ़ते हैं। और ये सभी के साथ ऐसा होता है दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा होता है। पहले मैं भी यही गलती करता था कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेना, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेना, और जल्दी से उसको रिलेट करके देखना क्वेश्चन से, तो इस वजह से हमारे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते थे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा है दोस्तों, इसके अंदर आप 500 के 500 क्वेश्चन राइट भी कर सकते हैं और 500 के 500 क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमें पूरे ध्यान से पढ़ना है उसको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। और कई बार जैसा, ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे एग्जाम में टाइम कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एट लीस्ट कम से कम एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। और इसी तरीके से हमें जो क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन को भी हमें ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। और एक चीज़ और है दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज़ आती है इसके अंदर, काफ़ी दोस्त क्या करते हैं कि पहले पर्सन पढ़ते हैं और उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। ये चीज़ भी दोस्तों हर किसी के ऊपर लागू नहीं होती। कई काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि वो पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, और कई दोस्त क्या करते हैं कि पहले पर्सन पढ़ते हैं और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। तो ये आप दोनों आप ट्राई करके देखना, आपको जो अच्छा लगे वो करना। लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या है कि आप जो मेन मेन कीवर्ड है ना, मेन मेन जो पॉइंट है, आप उनको नोट कर लीजिए, या फिर पेंसिल से या कैसे भी आप उसको अलग से रख लीजिए, अलग से उसको मार्किंग कीजिए, भाई इन शब्दों का हमें आंसर निकालना है। ठीक है, ऐसा करेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अभी हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें मार्किंग करने और कैसे क्वेश्चन करने हैं। और ऐसा करने से क्या है दोस्तों कि हमारा जो टाइम है ना, टाइम बच जाएगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे जो अच्छी चीज़ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपको अच्छा करना है तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप प्रैक्टिस के लिए, देखिए आपके पास ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर है, एनटीए यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, आप वही कीजिए, क्योंकि उनके अंदर लेवल दिया हुआ होता है कि यूजीसी नेट के अंदर किस लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अलग एग्जाम के अंदर देखते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत आसान लैंग्वेज होती है अलग एग्जाम की, और इसकी जो लैंग्वेज होती है यहाँ पे यूजीसी नेट के अंदर जो सेंटेंस है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस दिए हुए होते हैं। तो आप यूजीसी नेट में जो भी अभी तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए हैं उन्हीं को आप कीजिए, उनको आप जब बार बार करेंगे तभी आपके अच्छे से हो पाएंगे। और दोस्तों मैं ये पर्सनल कह रहा हूँ, पर्सनल चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। मैंने खुद, आप यकीन नहीं करें, कम से कम 15 से 20 मैंने किए थे, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था उस टाइम मैंने 15 से 20 किए थे प्रैक्टिस के लिए, तो उस टाइम मेरे 5 में से 4 क्वेश्चन ठीक हो गए थे। तो प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। रीडिंग शहजादी कह रही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंफ्यूज करता है बहुत जी, प्रैक्टिस पे डिपेंड है ये, कंप्यूटर पे कैसे मार्किंग करें जी। देखिए कंप्यूटर पे मार्किंग नहीं हो सकती, वो बात सही है, लेकिन आप ऑफलाइन अब तो कर सकते हैं ना, अब करेंगे तो बाद में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप माइंड के अंदर उसको मार्किंग कर सकते हैं जी।
अभिराज शर्मा गुड मॉर्निंग, सारिका खान जी, वीना सुमन गुड मॉर्निंग, काफ़ी दोस्त लेट आए अभी, अलका धीमान गुड मॉर्निंग सर, पैसेज इंग्लिश में दीजिए जी, इंग्लिश में भी दिखाएंगे, अभी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों में है, कोशिश करते हैं दोनों में दिखाने की। मंसूर मंसूरी गुड मॉर्निंग जी, रुखसार खान जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम सुन रहा हूँ, ओके जी कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए, वैसे तो कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है नहीं इसके अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है कि एक देखिए, अगर सभी चीज़ों निकाला जाए तो वो एक ही निकल के आता है कि प्रैक्टिस कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उसके अंदर दोनों तरीके यूज कीजिए। जैसे कि एक तरीका तो ये है ना कि पहले क्वेश्चन पढ़ना और उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना और जो मेन कीवर्ड है उनको फोकस करना, ये चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके देखते हैं और उस बेस पे देखते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। ये देखिए, ये हमारा जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें वही काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हमें इसमें जो मेन कीवर्ड है ना वो क्या है, पिछले महायुद्ध, भारतीय साहित्य और प्रभाव, ये तीन तीन मेन कीवर्ड है इसके अंदर, पिछले महायुद्ध, भारतीय साहित्य पर प्रभाव, ये हमें देखना। अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें हम देखते हैं, देखिए अंतिम महायुद्ध जिसने आधुनिक विश्व की आधारशिला को लगभग विकपिंत कर दिया, भारतीय साहित्य पर सवल प्रभाव ही डाल सका। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सवलप प्रभाव है, सवलप प्रभाव है, हमें हिंदी में पता नहीं चलता कि इसका मीनिंग क्या है, सवलप का मतलब क्या होता है, तो आप क्या करना, आप इंग्लिश में भी पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम है तो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो इंग्लिश में हम देखते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या है, सवलप का मतलब क्या है इंग्लिश के अंदर। देखिए इंग्लिश के अंदर है ये, देखिए हैड लिटल इम्पैक्ट ऑन इंडियन लिटरेचर, लिटल इम्पैक्ट होता है, सौलभ प्रभाव का मतलब होता है लिटल इम्पैक्ट, यानी कि बहुत कम प्रभाव डाल सका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे इसमें क्या दिया है, यानी कि अगर कोई आपको हिंदी में समझ में ना आए ना तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं उसका। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अंतिम महायुद्ध जिसने आधुनिक विश्व की आधारशिला को लगभग विकपिंत कर दिया, भारतीय साहित्य पर सवलप ही प्रभाव डाल सका, यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिम दुनिया की मानवीय विपत्तियों के बारे में मोह भंग की स्थिति को प्रखरता से अभिव्यक्त देने में ही सिमटा रहा। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का जो आंसर है ये है ना, जो अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा, यहां से लेके और अंतिम महायुद्ध यहां तक होगा। रुकिए मैं मार्किंग कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और रुकिए यार एक तो लड़ाई हो रही है यार, क्या करें यार ये लड़ाई भी, ये देखिए यहां से लेके यहां तक जो है इसके अंदर हमारा आंसर मिलेगा। अब देखिए यह हिंसा के विरुद्ध, अरे यार रुको, अरे यार हो जा, सही सही, यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिम दुनिया की मानवीय विपत्तियों के बारे में मोह भंग की स्थिति को प्रमुखता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा, ये चीज हमने पढ़ ली। अब हम दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, यार ये हैंग हो गया ये देखिए दोस्तों, पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये ऑप्शन नंबर 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसका आप आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, फिर हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा और कैसे हमें निकालना है। सर एग्जाम में बार बार स्क्रॉल करने से अधिक परेशानी होती है जी, अब क्या करें जी। सर आपके बैकग्राउंड म्यूजिक काफी तेज है,
है जी, अब क्या करें, अब उनको कह तो सकते नहीं भाई आप लड़ाई मत करो, वो मेरे साथ और कढ़ाई कर लेंगे, है ना। कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा है सर। हाँ जी हो रहा है सर, अब क्या करें, हो रहा है तो हो रहा है, बहुत परेशानी होती है सर। सर सभी को गाली गोली मार दो, लड़ाई नहीं होगी। हाँ, सर थोड़ा इंग्लिश में भी दिखा दीजिए जी। एक स्क्रीन पे दोनों दिखाना पॉसिबल नहीं है। आंसर आना स्टार्ट हो गया है, शिलेश कुमार वन का भी, अनिल कुमार, फहमिदा नाज, राजनदीप कौर, पूनम पाल, वीना सुमन, सुप्रिया कुमारी, एंजल एंटरटेनमेंट, राजनदीप कौर, पवन यादव, बबली कुमारी। बबली कुमारी जी अब बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत दिनों बाद। कमल, अनिल कुमार, मंडल, शहजादी, विक्रम, अंजल, गायत्री, सुप्रिया, राहुल, शिव, सुखवीर। कौन है सर ये? पड़ोस में है जी, सारिका खान। हाँ, मेरा भी बी है जी। सभी दोस्तों ने इसका आंसर बी दिया है जी। देखिए बिल्कुल सही है दोस्तों। ये देखिए, इसने पिछले महायुद्ध का भारतीय साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा ये पूछ रहे हैं, भारत इंडियन लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ा ये इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये बात तो नहीं है क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ा है ऊपर, हमने देखा। ऑप्शन नंबर टू है, इसने हिंसा के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ा दिया। और सॉरी दोस्तों, मैं इंग्लिश में दिखाना भूल गया, यहाँ पे इंग्लिश में जो क्वेश्चन था वो दिखाना भूल गया, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों, इसने साहित्य की नींव को हिला दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज करूंगा आगे, साहित्य की नींव को नहीं हिलाया इसने, इसने किसकी नींव को हिलाया था, इसने दूसरी नींव को हिलाया था, ऊपर मैं दिखाऊंगा दोबारा, मैं क्वेश्चन वो दिखाऊंगा ना पैराग्राफ, तब तो पता चलेगा आपको। इसने पश्चिमी दुनिया को प्रबल समर्थन दिया नहीं, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, राइट आंसर बिल्कुल सही दिया, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर टू, इसने हिंसा के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ा दिया था। अब हम दोबारा से उस पे चलते हैं और उसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आ गया ना, यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को प्रमुखता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा। ये देखिए, ये कह रहा है ना कि अभिव्यक्ति दे प्रमुखता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा। किसकी अभिव्यक्ति देने में सिमटा रहा? हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति, ये यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए, ये है ना, बहुत लंबे लंबे इसके अंदर होते हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी काफी लंबे लंबे सेंटेंस आएंगे, तो हमें काफी ध्यान से इनको पढ़ने की जरूरत है। और एक और चीज थी ना कि उसने किसको विकपंत कर दिया, तो विश्व की आधारशिला को विकपंत कर दिया था, ना कि भारतीय साहित्य की आधारशिला को विकपंत किया था। तो इस तरह से दोस्तों, वही बात फिर से आ रही है कि प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर फर्स्ट पेपर के पैसेज और सेकंड पेपर के पैसेज सेपरेट होते हैं क्या? हाँ जी सेपरेट होते हैं, उनका जो थोड़ा पैटर्न होता है वो भी अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों, अपनी महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की? ठीक है, अंतिम महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की, ये अब हम देखते हैं दोस्तों। ये देख लिया हमने, और अब हम इसका ये देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसकी प्रमुख अभिव्यक्ति टैगोर की अंतिम कविताओं एवं उनके अंतिम महाग्रंथ क्राइसिस इन सिविलाइजेशन के माध्यम से हुई। अब देखिए, किसकी अभिव्यक्ति हुई, किस चीज की अभिव्यक्ति हुई, ये हमें पता होना चाहिए ना। देखिए मार्किंग करता हूं, मार्किंग से हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीजें। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि इसकी प्रमुख अभिव्यक्ति, इसकी किसकी भाई, किसकी। अब हमें दोबारा से ऊपर वाली लाइन दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिमी दुनिया के मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को प्रमुखता से अभिव्यक्ति देने में ही सिमटा रहा। ठीक है, ये देखो, यहां से लेके यहां तक ये लाइन पढ़ो, इसकी अभिव्यक्ति कहाँ पे हुई? टैगोर की अंतिम कविताओं के अंदर हुई, यहां से हमारा ये आंसर निकलेगा। ठीक है, अब हम वापिस हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे देखते हैं।
ये देखिए, इन्होंने कहा है कि अपने अंतिम महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की? सबसे पहले सुभाष चंद्र को समर्थन दिया? नहीं। दूसरा है, पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों की पोल खोली? ये देखते हैं। इंग्लैंड के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की? देशों की मुक्ति को प्रोत्साहन प्रदान किया? एट का डी, सॉरी एट का बी दे रहे हैं सभी दोस्त। कौन कौन? राहुल काम्बले, और कौन आ गया? बिरबल, अविराज, रश्मि, सारिका, रॉयल कंप्यूटर, रश्मि, सॉरी सर मैं लेट हो गई, अच्छी बात नहीं है जी, सुरेश चंद्र, सारिका खान, राहुल, सारिका, एंजल, अनिल कुमार, सुजाता, शहजादी जी। सभी दोस्तों ने इसका आंसर बी दिया है जी, बिल्कुल सही है सर। ये लोग तो बिना पढ़े ही जवाब दे रहे हैं जी, अब क्या करें, बिना पढ़े दे रहे हैं, हो सकता है इन्होंने पहले किया हो, अच्छी बात नहीं है ना, ये पढ़ने के बाद देना चाहिए। डॉक्टर रेखा गुप्ता, कामना गुप्ता, शैलेंद्र यादव, कमल, अनिल कुमार जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर बी दिया है। अविराज शर्मा ने भी इसका आंसर बी दिया है जी, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी ही आएगा। हमने पढ़ा था ऊपर, देखिए इसमें यार यहीं से हमें पता चल रहा है। ये देखिए, इसने कहा है यहाँ पे, इसकी प्रमुख अभिव्यक्ति टैगोर की अंतिम कविता और उनके अंतिम महाग्रंथ क्राइसिस इन सिविलाइजेशन के माध्यम से हुई। अब इसने कहा है कि इसकी प्रमुख अभिव्यक्ति इसकी का है, तो किसकी, वो हमें पता होना जरूरी है। तो किसकी का हमें आंसर निकालने के लिए ऊपर वाली लाइन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो ऊपर वाली लाइन से हमारा आंसर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते, एक बार पढ़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी? ये हमें पता करना है, महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी, ये हमें देखना है। और इसमें आप चाहे तो एक बार ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, वे रूसी लोगों कष्ट कष्ट के प्रति उदासीन थे, वे जापानी सैन्य शक्ति के पक्ष में थे, उनकी अनिश्चित निष्ठावान से सृजनात्मक को बढ़ावा दिया। देखते हैं इसका क्या होता है, देखिए आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, इस समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग नैतिक अंधाधुंध की दशा से गुजर रहा था। एक ओर जहां वह संकट की घड़ी में इंग्लैंड के अदम्य साहस के प्रति सहानुभूति व्यक्त किए बगैर नहीं रह सका, जिसमें रूसी लोग निष्ठुर नाजी सैन्य शक्ति से लोहा ले रहे थे, चीन जापान की सेनाओं को बूटों तले रौंदे जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उनका अपना ही देश अपनी धरती की सैन्य शक्ति के नियंत्रण में था। भारतीय सेना सुभाष बोस के नेतृत्व में दूसरी ओर से उनके देश की मुक्ति का प्रयास कर रही थी। अब देखिए, यहाँ हमने क्वेश्चन पढ़ा कि भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी, वो हमें पता करना है। तो इसका आंसर कहाँ से निकलेगा दोस्तों? इसका आंसर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और ये सेंटेंस तो बहुत बड़ा है, यहाँ तक बड़ा है, तो आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिए। इस समय भारत का बुद्धिजीवी वर्ग नैतिक अंधाधुंध की दशा से गुजर रहा था। एक ओर जहाँ वह संकट की घड़ी में इंग्लैंड के अदम्य साहस के प्रति सहानुभूति व्यक्त किए बगैर नहीं रह सका, ठीक है, ये हो गया, और जिसमें रूसी लोग निष्ठुर नाजी सैन्य शक्ति से लोहा ले रहे थे। अब देखिए दोबारा से, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम पढ़ते हैं। ये देखिए, महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी? वे रूसी लोगों के कष्टों के प्रति उदासीन थे, जापान ने सैन्य शक्तिवाद के पक्ष में थे, अपनी अनिश्चित निष्ठावान ने सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया, उन्होंने इंग्लैंड के साहस के प्रति सहानुभूति जताई। अब ये देखिए, इनमें ऑप्शन नंबर 1 और C में हो सकता है, D इसका ज्यादा लग रहा है। सभी दोस्तों ने इसका आंसर D दिया है, अनिल कुमार मंडल, राहुल कुमार, आई नो, विक्रम, डी डी डी, सभी दोस्त इसका आंसर डी दे रहे हैं, शारदा गुप्ता जी, डी ज्यादा मिल रहा है।
जी चलिए इसका हम आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डी है दोस्तों, बिल्कुल सही आप सभी ने इसका आंसर दिया। इन्होंने इंग्लैंड के साहस के प्रति सहानुभूति दर्शाई। जी देख लीजिए दोस्तों, कितने आसान क्वेश्चन है यार, कितने आसान क्वेश्चन है। एक बार हमें क्वेश्चन पढ़ना है और एक बार हमें पैराग्राफ पढ़ना है और उससे रिलेट करके देखना और कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन आ रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों आप सभी ने, तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। अब देखिए, भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमरेंस ऑफ क्रिएटिव एनर्जी इन इंडियन लिटरेचर। यानी कि ऐसी कौन सी क्रिएटिव एनर्जी थी जो इंडियन लिटरेचर को एक साथ इकट्ठा करने के लिए आई वहां पे, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, इसका हमें आंसर निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो एक बार से वही है कि आप यहाँ पे ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, अपनी धरती का सैन्य आधिपत्य, औपनिवेशिक आधिपत्य का प्रतिरोध, विभाजन फलस्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा। अब देखिए ऊपर चलते हैं हम और ऊपर पढ़ते हैं अपना, ये देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, निष्ठाओं के ऐसे द्वंद में किसी भी प्रकार की सृजनात्मक प्रति के परसुफुटन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। यह सहज ही अनुमानित किया जा सकता है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति जो मित्र राष्ट्रों के आविर्भाव क्रम में महत्वपूर्ण है तथा जो पड़ोसी देशों जैसे दक्षिण पूर्व एशिया उपनिवेशवाद अंत के रूप में हुआ, सृजनात्मक ऊर्जा के विश्व है। अब देखिए यहाँ पे अब बात आ रही है, धीरे धीरे बात आ रही है उसकी, सृजनात्मक ऊर्जा की बात आ रही है, क्रिएटिव एनर्जी की बात आ रही है। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, निसंदेह ऐसा हुआ किंतु शीघ्र ही देश के विभाजन यंत्रणा सहार तथा लाखों लोगों का अपने ही देश से विस्थापित होने और महात्मा गांधी की शहादत की घटना के साथ कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण तथा बाद में बांग्लादेश में उसके अत्याचारों ने ममर्षपर्शी लेखन को प्रेरित किया। अब देखिए मार्किंग करते हैं। अब आएगा इसका आंसर, रुकिए रे भैया। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये देखिए ममर्षपर्शी लेखन को प्रेरित किया, सब वहां पे क्या था, यानी कि बढ़ाने की बात कर रहे थे वो, कि सृजनात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले कारकों की हमें पहचान करनी है। अब यहाँ पे आ गया ना, ममर्षपर्शी लेखन को प्रेरित किया, अब किसने प्रेरित किया वो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए ये आ रही है ना, ये पूरी लाइन, लाखों लोगों का अपने ही देश से विस्थापित होना, यानी कि विस्थापित होना, विभाजन होना, और यहाँ पे ये देखिए कश्मीर पर बांग्लादेश में उसके अत्याचारों ने ममर्षपर्शी लेखन को प्रभावित किया, यानी कि अत्याचार हो रहा है और यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, ये चीज हमें पता चल गई। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 10। ये देखिए, भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। एक साथ मिलाने वाले कारकों की हमें पहचान करनी है, किन्होंने इंडियन लिटरेचर को एक साथ लेके आए, अपने ही धरती का सैन्य आधिपत्य, औपनिवेशिक आधिपत्य का प्रतिरोध, विभाजन स्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा, और तीसरा है मित्र राष्ट्रों की विजय, ये हमें बताना है। 10 का सी आना स्टार्ट हो गया है। इंदु त्रिपाठी, अनिल कुमार, चारू गर्ग, चारू भी काफी दिनों बाद आए, शायद पहले भी आते थे, कमल, तरुण गोयल, मंसूर, रेणु शर्मा, सविता खुले, पूनम पाल, डॉक्टर साहब, रेखा जी, अरुण शर्मा, सुजाता सिन्हा जी, सभी ने इसका आंसर सी दिया है। 10 का आंसर सी दिया है। मिताली वर्मा जी, चारू गर्ग, बबीता शर्मा जी,
बिल्कुल सही दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है कि जो देखिए देश के अंदर विभाजन हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, तो काफी सारी चीजें हो रही थी, तो उन्हीं की संवेदनाओं ने, उनके इमोशन से ही हमारे इंडियन लिटरेचर एक साथ हुए और इंडियन लिटरेचर आगे बढ़ने लग गया। ठीक है, तो ये चीज हमने ऊपर पढ़ी थी कि वो था ना पाकिस्तान पे आक्रमण होना और अपने ही देश से विस्थापित होना, यानी कि विभाजन होना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? विभाजन स्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ग्रेट एगोनी ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन की वजह से काफी एक साथ इंडियन लिटरेचर एक साथ आए। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर तथा बंगाल की त्रासदी से जनहित प्रभाव क्या थे? ये हमें बताना है दोस्तों। कश्मीर तथा बंगाल की त्रासदी से, त्रासदी आप यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, व्हाट वाज द अफरमेट दैट सर्वाइव्ड ट्रेजेडी इन कश्मीर एंड बांग्लादेश। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब इसके जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं जल्दी से। दूसरे देशों का संघ का भाव, प्रतिद्वंद्वता की निरंतरता, युद्ध का खतरा, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। अब देखिए, अब हम ऊपर चलते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं। अब देखिए, इस कारण बांग्ला हिंदी, कश्मीरी पंजाबी, सिंधी तथा उर्दू में महत्वपूर्ण लेखन सामने आया, किंतु केवल ममर्षपर्शी अथवा भावपूर्ण लेखन अपने आप में साहित्य को महानता प्रदान नहीं कर सकता। इन आपदाओं के उपरांत भी जो उत्साह एवं आत्मबल का कोष बना रहा, वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया ना, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। और ये कहाँ से बात चल रही है दोस्तों? ये यहाँ ऊपर से बात चलती हुई आ रही है, किंतु केवल ममर्षपर्शी तथा भावपूर्ण लेखन अपने आप में साहित्य को महानता प्रदान नहीं करता, किंतु इन आपदाओं के उपरांत भी जो उत्साह तथा आत्मबल का कोष बना रहा, वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास में आत्मसात हुआ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सेकंड लाइन के अंदर, वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात आ रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये रहा हमारा, कश्मीर तथा बंगाल की त्रासदी से जनहित प्रभाव क्या हुए? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडियन लिटरेचर बढ़ने लग गया, उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया, तो क्या हुआ? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हुआ। जी 11 का डी, सर इतना टाइम एग्जाम में मिलता है? जी शारदा गुप्ता जी, मैं आप एक चीज समझिए, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, एग्जाम के अंदर आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद समझना और आंसर देना है। आप कॉमन सेंस लगाइए ना, एग्जाम में आपको किसी को समझाना है क्या? जल्दी जल्दी करना है एग्जाम के अंदर। 10, 11 का डी डी डी, मंसूर मंसू, अनिल कुमार, सारिका खान, मिताली वर्मा, जी सभी दोस्तों ने इसका आंसर दिया है, डी आंसर दिया, सभी ने इसका आंसर डी दिया है। जी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा हमारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आएगा। जी बिल्कुल सही है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा एक ये ऑप्शन क्वेश्चन आता ही है, प्रस्तुत गद्यांश का कथ्य संदेश क्या है? सॉरी गद्यांश है, अनसीन पैसेज जो है उसका मेन एम क्या है, क्या मैसेज देना चाहता है, वो हमें बताना है। अब देखिए, इसके लिए हमें पूरा पैसेज दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन पढ़ने से ये आ जाएगा। आपदाएं अवश्य भावी होती है, ये इसका आंसर नहीं है। डिजास्टर आर इनविजिटेबल, ये इसका आंसर नहीं है दोस्तों। आगे, सक्षम श्रृंखलाओं से महान साहित्य का उद्भव होता है, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में देखिए दोस्तों, ग्रेट लिटरेचर अमर्ज आउट ऑफ चेन ऑफ कन्वल्यूशन। ठीक
ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है कि जो ग्रेट लिटरेचर है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, वो अलग यानी कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से उत्पन्न होता है, या फिर देश में कोई त्रासदी आती है उससे उत्पन्न होता है। आगे दोस्तों, भारतीय साहित्य का कोई विशिष्ट परिदृश्य नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है ना कि भारतीय साहित्य से क्या हुआ, भारतीय साहित्य से सभी लोग इकट्ठा होने लगे, उसका काफी इफेक्ट पड़ा। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, युद्ध और स्वतंत्रता से साहित्य का कोई लेना देना नहीं है, ये बात भी इसकी बिल्कुल गलत है दोस्तों। युद्ध और स्वतंत्रता से इंडियन लिटरेचर का बहुत गहरा प्रभाव है, ये हमने देखा है। तो इन सभी को पढ़ने से हमारा बिल्कुल आसानी से आंसर आ रहा है। आसानी से आंसर क्या आ रहा है, आसानी से आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर टू, यहाँ से आंसर आ रहा है। शिव कुमार, अनिल कुमार, राजकुमार, बीरबल, बबीता, अर्जुन, अर्जुन भी आप भी शायद छुट्टी मार जाते हैं बीच बीच में, गायत्री मंत्र, सविता गोले, मामा जी फटल आंसर दे रहे हैं, मामा जी फटाफट आंसर दे रहे हैं, मामा जी कौन हो गया अभी इसमें, जी सी डी वैसे ही नेगेटिव है तो एलिमिनेट हो जाएंगे जी। मिताली वर्मा जी बिल्कुल सही है जी, इसको एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो जी, बिल्कुल सही है। और इन्होंने कोई आंसर इसका डी भी दे रहा था, अभिराज शर्मा ने शायद डी दिया था, काट दिया इन्होंने, डॉक्टर रेखा ने डी दिया है, इन्होंने शायद गलती से दे दिया होगा। सर आज फर्स्ट क्लास है मेरा। ओ अर्जुन शर्मा जी, ओके सर ओके। हो एक और अर्जुन आते हैं हमारे साथ में, वो नहीं वो अलग होंगे, फिर नेम सेम हो गया आप दोनों का, ये हो सकता है जी। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर टू हो जाएगा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं, और दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए प्रैक्टिस करने का तरीका एक और मैं बताता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में 5 में से हो सकता है आपके 2 क्वेश्चन सही और 3 क्वेश्चन गलत हो जाए। वो 3 क्वेश्चन गलत होना, वो आप ये देखना कि ये जो 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं ये क्यों गलत हुए हैं, उसका रीजन फाइंड आउट करना और देखना कि क्यों गलत हुए हैं, उस क्यों का आंसर निकालना। और आप अपने आप से प्रोमिस कीजिए कि आप कम से कम 10 10 पैराग्राफ करेंगे, 10 पैरा एक दिन के अंदर 10 पैराग्राफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, आप 10 पैराग्राफ कीजिए यूजीसी नेट के, और उसके बाद आप खुद देखना, आप खुद देखना आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है ना, ये चीजें करके देखना। और वही चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप पैराग्राफ करें और आपका क्वेश्चन गलत हो तो उसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि ये गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, उस क्यों का आंसर निकालना, इससे आप में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी जी। ठीक है, तो सभी दोस्तों से मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त करेंगे 10, कम से कम 10 करेंगे, और आप चाहे तो डेली 2 डिसाइड कर लीजिए, एक मॉर्निंग है एक इवनिंग में, जैसे तैसे करना है आप कर लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया सर, अब हल्ला शांत हो गया, हाँ, हाँ जी झगड़ा शांत हो गया, अब नहीं आ रही बाहर से आवाज। प्रैक्टिस के लिए क्या खरीदे जी, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिस के लिए आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, आप हमारी ऐप के अंदर ले सकते हैं ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, और अगर ऐप में से डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमारी वेबसाइट nimizynet पे जाके भी आप पैराग्राफ ले सकते हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर हमने दिए हुए विद आंसर की दिए हुए हैं, तो आप वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। और आपके पास बुक वगैरह होगी उनमें भी दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो सारी का आंसर मैं 1 DI और 1 पैसेज रोज करती हूँ जी, वेरी गुड वेरी गुड जी। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, हाँ जी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं देख लेता हूँ, देखिए 35 लाइक है, अच्छी बात नहीं है दोस्तों। और लास्ट में जाते जाते जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी ऐप निमिजी नेट डाउनलोड कर लीजिए, और आप
हमें व्हाट्सएप नंबर 8708321010 पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो। और जिसको भी हमारा पेड कोर्स खरीदना वो पेड कोर्स खरीद सकता है अब केवल 799 रुपए के अंदर। ये ऑफर दोस्तों रक्षाबंधन तक ऑफर चल रहा है, 799 रुपए के अंदर आप खरीद सकते हैं। और जिन दोस्तों ने पहले से हमारा पेड कोर्स लिया हुआ है वो केवल 299 रुपए देके, केवल 299 रुपए दे के अपने कोर्स की ड्यूरेशन 2000 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है या फिर अपने कोर्स की ड्यूरेशन बढ़ानी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।